नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार के ट्रेनों में महिलाओं का अब आतंक देखने को मिल रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब पटना रेल पुलिस बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक खंगालती। जी हां, दरअसल चलने वाली ट्रेनों में जो राजधानी पटना के रास्ते होते हुए गुजरती है उनमें कई दिनों से लूटपाट की घटना हो रही थी। पिछले दिनों बंगाल की रहने वाली कुछ महिलाओं की गिरफ्तारी, उसके बाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली कुछ महिलाओं की गिरफ्तारी होती है। अब ये पता चला है, ये खुलासा पटना के रेल एसपी ने किया है कि अब बिहार की महिलाओं ने भी ये काम शुरू कर दिया है। बक्सर की रहने वाली कुछ महिलाएं अब लूटपाट ट्रेनों में कर रही हैं। जी हाँ, तीन महिलाएं अब रेल पुलिस के हत्थे चढ़ी हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, ये तीनों महिलाएं चलती ट्रेनों में लूटपाट करते थे, लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। महंगे महंगे जेवरात महिलाओं से छीन कर ये लोग फरार हो जाते थे, कोई शक भी नहीं कर पाता था। इसका खुलासा पटना के रेल एसपी कर रहे हैं। सबसे पहले आप वो सुन। रेल जिला पटना में पटना गया रेलखंड पे पैसेंजर ट्रेन में चोरी की घटनाएं लगातार हो रही थी और इसमें सूचना लगातार प्राप्त हो रही थी महिला गैंग के कार्यरत होने में। इसी क्रम में बंगाल के एक महिला ग्रम को पकड़ा गया चोरी के मोबाइल के साथ। दूसरी बार उत्तर प्रदेश के महिला गैंग को पकड़ा गया 20,000 के रुपए के साथ। और इस बार बहुत ही प्रकाश में आया एक रोचक तथ्य कि बिहार का भी एक महिला गैंग कार्यरत है और वो इटारी थाना जिला बक्सर का। कल 1 जून को पटना जंक्शन से जब गाड़ी कोसी एक्सप्रेस खुली 186/23 11:07 पर, खुलने के 5 मिनट के बाद ही परसा बाजार से पहले बोगी संख्या B1 में एक यात्रा कर रही महिला रेणु कुमारी पति नितिकेश कुमार थाना बड़ा बाजार हजारीबाग झारखंड के गले से अज्ञात तीन महिलाओं द्वारा सोने का चेन छीन लिया गया और वो वहाँ पर हल्ला होने लगा। तो विशेष टीम जो लगातार कार्य कर रही है महिला गैंग के अगेंस्ट में, उस विशेष टीम के द्वारा तीन महिलाओं को पकड़ा गया। विमला देवी पति राहुल कुमार ग्राम शांति नगर नहर पर थाना इटारी जिला बक्सर। फिर दूसरा गुड़िया देवी उम्र 23 वर्ष पति अनिल ठाकुर साकिन शांति नगर नहर पार थाना इटारी जिला बक्सर। और अंतिमा देवी उम्र 22 वर्ष पति लाला कुमार थाना इटारी जिला बक्सर। इन तीनों महिलाओं के द्वारा वो चेन के साथ, लॉकेट और चेन के साथ पकड़ा गया इनको और एक और चोरी का लॉकेट बरामद हुआ। महिला को तत्क्षण उस चेन की पहचान कराई गई और इसमें रोचक तथ्य ये सामने आए कि ये इटारी थाना जिला बक्सर से ये गैंग कार्यरत है और वहाँ की महिलाएं, कई महिलाओं के बारे में खुलासा इन्होंने किया है कि और भी महिलाएं ये पटना बक्सर रेलखंड पे, पटना गया रेलखंड पे और इन रेलखंडों पे वो चोरी की घटनाएं करती हैं। एक नया कार्यशैली, अपराध शैली सामने आया है कि ये महिलाएं जब भी कोई महिला को, यात्री को जेवर पहने देखती हैं तो वो उनके इर्द गिर्द भीड़ लगा देती हैं और बड़ी सफाई से उनके गले का चेन खींच लेती हैं ताकि उनको पता ना चले। और भीड़ जब छटता है तो महिला के पास से वो चोरी हुआ पाया जाता है। वही एक घटना दिखाई पड़ा और उसमें तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया गया। सोने का चेन लॉकेट जिसका मूल्य करीब 1 लाख है उसको बरामद किया गया। एक अन्य चोरी का लॉकेट जिसका मूल्य करीब 12 से 15 हज़ार है वो भी बरामद किया गया है और इन तीन महिलाओं का गैंग सामने आया है। गैंग में कितनी महिलाएं काम करती हैं? अभी इन्होंने बताया नहीं है, तीन की गिरफ्तारी हुई लेकिन उनके द्वारा यह बताया गया है कि जिला बक्सर में इटारी थाना के पास कई महिलाएं हैं जो इस धंधे में हैं चोरी के, और उस पर हम लोगों का सत्यापन कराया जा रहा है कि और कौन कौन से इस महिला इस गैंग में शामिल है। इन्होंने आय के लिए किया है, अपना ये आय का रोजगार का साधन इसको बनाए हुए थे। ये लोग बेचने के बारे में अभी रिसीवर का उतना नहीं क्लियर किया है लेकिन ये अपना उसको जहाँ भी लोकल मार्केट, स्थानीय बाजार में जहाँ मौका मिलता था बताया कि जिस इसको बेच देती थी। तो आपने सुना, साफ तौर से ये महिलाएं जो है बिहार के बक्सर की रहने वाली हैं। वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार की महिलाएं भी अब लूटपाट का योजना बना रही हैं। देखिए, तीन महिलाओं का ये गैंग कई लंबा गैंग हो सकता है, कई नाम सामने आ सकते हैं। अब देखना है कि जिस तरीके से इन महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है तो क्या और नाम सामने आएंगे और महिलाएं अब रेल पुलिस के हत्थे चढ़ेंगी। इस खबर में सत्ता ही। अगर आपने अब तक लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।